बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं होतीक जमान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके सामने काफ़ी गेस्ट लेकर आ चुका हूं, मगर ये गेस्ट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि प्लेयर तो काफ़ी पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मगर बहुत ही चंद प्लेयर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन चंद लोगों में बहुत ही चंद लोग ऐसे हैं जो ग्रेट बन जाते हैं पाकिस्तान के लिए। ग्रेट बनने के बाद, ग्रेट बनने वाले भी बहुत लकी होते हैं, मगर उसके बाद कुछ बहुत ही कम लोग होते हैं, इतने से मुट्ठी भर होते हैं जो लेजेंड बन जाते हैं। ये पाकिस्तान की लेजेंड है और पाकिस्तान विमेंस टीम की ग्रेट लीडर हैं। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली और अपना वर्ल्ड में बहुत ही नाम पैदा किया। ऑफ स्पिन में माहिर थे, कैप्टनशिप में माहिर थे, और इसके अलावा बैटिंग भी बहुत अच्छी करती थी। तो आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना मीर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आप ये बताएं कि पूरी दुनिया इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है और काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। आपकी क्या एक्टिविटीज हैं आजकल? बिल्कुल, आई थिंक मुश्किल टाइम रहा है पिछले 4-5 महीने सब लोगों के लिए। मैं इस वक्त एबटाबाद में हूँ, यहाँ कंपैरेटिवली बाकी पाकिस्तान से मौसम बहुत अच्छा है, तो एक तो मौसम को डेफिनेटली इंजॉय कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ जो टाइम पहले नहीं मिल सका चीजें करने का, जैसे रीडिंग का मुझे शौक है, रीडिंग का फिर टाइम मिल जाता था, बट गार्डनिंग का और छोटी मोटी फिटनेस और एक्टिविटीज, थोड़ा से डिफरेंट स्पोर्ट्स को ट्राई कर रही हूँ, वॉक काफी करती हूँ, तो आई थिंक इसी में टाइम निकल जाता है। मैंने सर अपना टाइम बड़ा एंजॉय किया, मेरे घर वालों ने आखिर में बेजार हो गए थे क्योंकि उनको आदत नहीं है ना कि मैं घर में रहूं। तो आपके घर वाले आखिर में बेजार तो नहीं हो गए कहीं? ये तो अब आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। नहीं, ये तो खैर एक मजाक था, मगर मेरे हिसाब से घर वालों ने बहुत एंजॉय किया क्योंकि ये कंपनी को मिस करते हैं, वो हम लोग मोस्टली बाहर रहते हैं एज एन एथलीट। चले सर, आपके आपके क्रिकेट की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, मैं वो उस दिन बासित भाई का भी इंटरव्यू ले रहा था तो वो आपके कोच थे कुछ अर्सा पहले, तो उन्होंने बड़ी तारीफ की, कहते हैं कि मैंने विमेंस क्रिकेट में बहुत एंजॉय किया। जब मैंने उनसे पूछा आप कौन सी मेल में एंजॉय किया फीमेल में, तो उन्होंने कहा यार मैंने विमेंस में पर्टिकुलरली एंजॉय इस वजह से किया कि मैं बहुत लकी था, मेरे पास सना मीर जैसी लीडर थी, और वो ऐसी लीडर थी कि जो मैं बाहर से सोच रहा होता था ना वो अंदर वो इम्प्लीकेट ऑलरेडी कर रही होती थी। तो क्या, कहां से ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज आई आपके अंदर? पहले तो यही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से कुछ चीजें तो डेफिनेटली आपको नेचुरली भी मिलती हैं, और फिर कुछ को आप कोशिश करते हैं कि एनवायरनमेंट आपको ऐसा मिल जाता है जिसमें ग्रूम हो जाती है। तो शुरू से ही काफी नेचुरल लीडरशिप थी मेरे अंदर, के बच्चों को इकट्ठा करना जब कोई अकेडमीज नहीं होती थी, कोई ऐसा कोई क्लब्स भी नहीं थे, तो हम गली मोहल्ले में ही बच्चों को इकट्ठा करके और उस प्रॉपर रूल्स बना के कि अब ऑफ साइड पे रन जाए, लेग साइड पे रन जाए, तो बिल्कुल छोटे लेवल से शुरू किया। और फिर ये कि घर पे एक ऐसा माहौल मिला जहाँ पर मेरे वालिद एक बड़े अच्छे लीडर हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, उनसे बहुत कुछ सीखा। और फिर आई थिंक ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, अगर इंसान लर्निंग करना चाहता है तो फिर दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करके बहुत सीखा, चाहे वो मेल क्रिकेटर्स में संगकारा हो या MS धोनी हो, या फीमेल क्रिकेटर्स में शार्ले एडवर्ड्स हो, मिताली राज हो, तो आई थिंक ऑब्जर्वेशन जो पावर है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। और सर बासित के साथ मुझे भी बड़ा मजा आया काम करने का, क्योंकि उनको वाकई क्रिकेट नॉलेज बहुत ज्यादा थी, और जो अवेयरनेस उन्होंने लेके आई टीम में उस टाइम पे, विंड फैक्टर को समझना, पिच को समझना, तो वो एक ऐसा टाइम था जिसमें आई थिंक वो भी बहुत जरूरत थी स्किल्स के ऊपर। सर मोहतशिम ने एक्सट्रीमली जबरदस्त काम किया था जब सर मोहतशिम हमारे साथ थे, तो वो एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया था कि जब स्किल्स भी आपकी आ जाए, आपको क्रिकेटिंग अवेयरनेस भी आ जाए, टीम भी जेल हो, टीम को फाइट करने आ जाए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता टीम स्ट्रांग होना शुरू हो जाती। तो आपका अब क्या ख्याल है कि अब जैसे बिस्मा लीडरशिप रोल ले लिया, उसने आपको रिप्लेस किया है, बल्कि आप ही ने उसको ग्रूम किया था, मुझे याद है कि आप अपनी कैप्टनशिप के अंदर आपने बोर्ड को कह के दूसरा कैप्टन तैयार करने की कोशिश की, तो बिस्मा के लिए क्या एडवाइस आपने दी, क्या उसको, क्या उससे कॉन्टेक्ट होता है आपका रेगुलरली? देखिए, बिस्मा के साथ मैंने 2 साल इसीलिए एज ए कैप्टनसी छोड़ने के बाद एज ए प्लेयर खेला, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वैक्यूम्स क्रिएट हो जाते हैं, या तो लोग नेक्स्ट लीडर के बारे में सोचते नहीं है, और अगर
नया लीडर बन भी जाए तो उसको हम लोगों का एक कल्चर नहीं है सपोर्ट करने का. तो 2 साल मेरा खेलने का मकसद ही कप्तानी छोड़ने के बाद डिफिकल्ट होता है. इट्स नॉट एन इजी थिंग कि जिस टीम को आपने बनाया उसमें आप वापस एज ए प्लेयर ज्वाइन करें. ये इतना आसान काम नहीं होता, बट उसका मकसद ही ये था कि उन 2 सालों के अंदर अपनी जितनी नॉलेज थी वो ट्रांसफर की जाए. क्योंकि ऑब्वियसली बिस्मा मेरे साथ 3 साल वाइस कैप्टन तो रही थी, बट वो बिल्कुल वो वैसा हाल होता है जैसे पैसेंजर सीट से आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं. तो आप मशवरे दे रहे होते हैं, बट एक्चुअली व्हेन यू टेक द ड्राइविंग सीट तभी समझ आती है कि उस खड्डे को बचा सकते थे कि नहीं बचा सकते थे. वो मुश्किल होता है. सो आई थिंक जितनी भी नॉलेज थी वो मैंने उन 2 सालों 1.5 साल के अंदर बहुत ज्यादा उसके साथ शेयर की. और पिछले 6-8 महीनों में मैंने और भी ज्यादा अपने आप को जिसे कहते हैं ना उसको और एम्पावर करने के लिए डिसीजन मेकिंग से अपने आप को और भी पीछे रखा, ताकि ऑफ कोर्स जब तक वो डिसीजन लेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलता. सो आई थिंक इट्स अ प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग पीपल. सो वो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड के अल्लाह का शुक्र है कि वो एक अच्छी जिम्मेदारी से मेरा मेरा हो गया वो काम. तो किस तरह की सपोर्ट देनी चाहिए बिस्मा को फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड फ्रॉम मीडिया, क्योंकि एक मीडिया का बहुत बड़ा प्रेशर है कि हमारा कल्चर है, हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है जहां पे आपकी खराब परफॉर्मेंस को स्ट्रेट अवे नोटिफाई किया जाता है, अच्छी परफॉर्मेंस को साइड में लगा दिया जाता है। तो किस तरह की क्या एडवाइस है आपकी मीडिया के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि वो किस तरह बिस्मा को सपोर्ट करें इन अ लॉन्ग देखिए रन? जी, बिस्मा हो या कोई भी पाकिस्तान कैप्टन हो, उसको सपोर्ट करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है वो आपके ग्रास रूट लेवल पर अच्छी क्रिकेट, खाली क्रिकेट नहीं, अच्छी क्रिकेट, प्लेयर्स का वेलफेयर. अगर प्लेयर्स को आप ख्याल नहीं करेंगे कप्तान उनसे परफॉर्मेंस नहीं ले सकता. तो ग्रास रूट लेवल पर अच्छी कोचिंग, अच्छी क्रिकेट, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, प्लेयर्स का वेलफेयर. और मीडिया के लिए जो जरूरी है वो ये जरूरी है कि आप जर्नी को समझें. आप ये समझें कि आप थोड़ा टाइम गुजारें वुमेन्स क्रिकेट में. अपने स्टूडियो से बैठ के कमेंट करना बड़ा आसान है, आपको ग्राउंड में आना चाहिए. एक काफी बड़े जर्नलिस्ट हैं, अपने आप को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहते हैं, वो कहने को 7 साल से वुमेन्स क्रिकेट को कवर करे. उनको ये नहीं पता था मेरा इंटरव्यू लेते हुए कि मैं ऑफ स्पिनर हूँ या लेग स्पिनर हूँ. और पिछले 5 साल से वो मेरी मेरे पीछे पड़े हुए थे कि इनको ये करना चाहिए और इनको वो करना चाहिए. तो बेसिकली ये चीजें हैं कि जब तक आप टाइम किसी चीज के साथ नहीं गुजारते ना, आपको उसके बारे में समझ नहीं आती. सो आई थिंक मीडिया को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको एक्चुअल में फैक्ट्स लाने. अगर आपने बस खबरें करनी है, रेटिंग्स करनी है, वो तो चल ही रहा है मामला, वो तो चलता रहेगा. बट अगर आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है, आपको अपने मुल्क की बेहतरी करनी है, तो थोड़ी सी एफर्ट डालनी पड़ेगी. मैं बड़े मजे की बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बात बोली सना आपने। जब मेरा थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ आपके साथ काम करने का, बड़ा लकी फील करता हूँ कि मैं उस पीरियड में आया था जब आप बिल्कुल अपने की स्टेज पे थे। तो मुझसे कबीर भाई ने ऑफर करी, जब कबीर खान कोच थे, कि यार वुड यू लाइक टू बी माई असिस्टेंट। तो मैं थोड़ा सा बैकफुट पे हो गया, क्योंकि मुझे मैंने कभी सोचा नहीं था विमेंस क्रिकेट के साथ मैं कभी भी मुंसलिक होऊंगा। मेरे जहन में वो एक इमेज था कि विमेंस क्रिकेट इज नॉट गुड इनफ, स्पेशली इन पाकिस्तान। तो मैंने कहा कि यार देखते हैं, चले हम तो मीडिया से सुनते हुए आए ना, हमने तो कभी फॉलो नहीं किया, मगर जब मैं आप लोगों के साथ टाइम गुजारा, मैंने वो 2 वीक या 3 वीक का जो भी टाइम था, तो मुझे पता चला कि यार क्या टैलेंटेड बंच ऑफ प्लेयर्स हैं और कितना हार्डवर्क और कितना वर्क एथिक है विमेंस में। तो ये मीडिया को चाहिए कि रेगुलर फॉलो करें। ये सना की बहुत जबरदस्त एडवाइस है कि हम लोगों को स्टोरीज मिल जाती हैं बाहर बैठ के, मगर ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं होता कि किस तरह एक विमेंस ने हार्डवर्क करके इस लेवल पे आई होती है। मैं उस सवाल की तरफ दोबारा आऊंगा सना, आपसे पूछता हूँ कि आप अपने जरा स्ट्रगल जो थे लाइफ के बताएं कि पाकिस्तान कल्चर के हिसाब से एक नॉर्मल विमेन को क्रिकेट खेलना और प्लस जो स्टेटस आपको मिला है उस तक पहुंचने के लिए क्या क्या हर्डल्स है। मुझे पता है कि बहुत मुझे तो दिन लग जाएंगे आपको बताने में ये चीजें, क्योंकि इतना बड़ा टाइम है, मगर एक शॉर्ट में आप जो भी बता सकती हैं वो बताएं, ताकि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हो। देखिए, सबसे पहले तो सिवाय बड़े शहरों के लाहौर कराची के अलावा ग्राउंड का मिलना, फैसिलिटी का मिलना, कोच का मिलना, इक्विपमेंट का होना, यही एक आज तक अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा हर्डल है. पिछले कुछ अरसे में एकेडमीज शुरू हुई हैं पीसीबी के अंडर, बट जनरली ये आज भी एक बहुत बड़ा हर्डल है कि अगर लड़कियां फिजिकल फिटनेस करना चाहें,
अगर वो अपने आप को हेल्दी फील करना चाहें तो या तो उनके पास बहुत पैसा होना चाहिए ताकि वो किसी बड़े क्लब की मेंबरशिप ले लें, या फिर वो घर में कुछ थोड़ा बहुत कर लें। तो आई थिंक इसके ऊपर सारे कॉर्पोरेट्स को, गवर्नमेंट लेवल पर, स्कूल्स कॉलेजेस को एक इकट्ठा एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए कि वेमेन हेल्थ, गर्ल्स हेल्थ, उसके ऊपर भी दिमाग जरूर ध्यान दें। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे ख्याल से, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, और इसी वजह से मेरे लिए खैर फॉर्चुनेट हो गया, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब आप सबमिशन में आते हैं तो अल्लाह ताला चीजें बेहतरी करता है, बट एक्चुअली में फिटनेस ना होने की वजह से, शुरू में फिटनेस की अवेयरनेस ना होने की वजह से, फिटनेस का ना पता होने की वजह से, जब मैंने एज अ फास्ट बॉलिंग बॉलर अपना करियर स्टार्ट किया तो वो मैक्सिमम 1 साल के लिए रहा, जिसमें मैंने एक टूर्नामेंट एज अ फास्ट बॉलर खेला, और फिर मेरी स्ट्रेस फैक्टर हो गया बैक में और फिर मुझे स्पिनर बनना पड़ गया, और वो अल्लाह का शुक्र है कि मैं स्पिनर बनी। आई थिंक उसमें मुझे सक्सेस ज्यादा मिली, बट वो जो ट्रांजिशन था वो भी आसान नहीं था, बिकॉज आपको अपने एक्शन को रीमॉडल करना है, आपको एक टाइम आता है कि यार मुझे और खेलना भी चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, तो वो सारी चीजें आई थिंक वो भी मुश्किल रही हैं, इंजरीज भी रही हैं मुझे उसकी, उसके साथ साथ लेके चलना बहुत से फिजियोज, बहुत से डॉक्टर्स, कोचेस की हेल्प रही उसके साथ। फिर जो सबसे मुश्किल मरहला था आई थिंक वो 2010 से पहले वाला टाइम था, जिस वक्त 2005 से 2010 में कोई वुमेन्स क्रिकेटर्स को जानता नहीं था, बस यही बात होती थी आप कुछ परफॉर्म करेंगे तो हम आपको कोई फैसिलिटी देंगे, तो बहुत ही मतलब बहुत ही कॉम्प्रोमाइज अकोमोडेशंस में हम रहते थे, कॉम्प्रोमाइज खाना मिलता था, बहुत ही मुश्किल हालात से हमने गुजरा, और वो सिर्फ एक पैशन था। उसमें 3-4 साल तो वैसे गुजर गए पैशन पैशन में, बट आखिरी 1-2 सालों में प्लेयर्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब हम मजीद और नहीं खेलेंगे, तो उस टाइम पे उनको कन्विंस रखना कि आप अच्छा 1 साल और खेल लो, अच्छा एक टूर्नामेंट और खेल लो, वो एक बड़ा मुश्किल मरहला था। तो फिर अल्लाह का शुक्र है जिस वक्त हमने पहला गोल्ड मेडल जीता, आई थिंक वो एक बहुत ही माइलस्टोन बना वुमेन्स क्रिकेट के लिए, जहां पे फिर उसके 2 महीने बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट, फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमें कन्विंस नहीं, और क्रिकेट खेल का प्रेशर बहुत होता है जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, अभी भी जब शुक्र है कि 3 महीने का कुछ अभी स्टाइपेंड दिया है लड़कियों को, बट मेरी बात हुई कुछ लड़कियों से और बहुत प्रेशर होता है उनके ऊपर कि अच्छा आप 25 से ज्यादा हो गई हैं, 27 से ज्यादा हो गई हैं, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिल रहा, तो बस जी शादी करो, अब ये करो, अब वो करो, तो हमारे कल्चर के ये भी प्रॉब्लम्स बड़े ज्यादा हैं। सो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर आई थिंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से वो हल हुए, फिर शुरू में एक डिपार्टमेंट भी नहीं था, ZTBL बना, फिर उसके देखते देखते और डिपार्टमेंट्स आए, कुछ बंद हो गए, कुछ चलते रहे, वो भी सारा एक इशू रहा। बहुत एक मेजर इशू था हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में ना होना आफ्टर 2009 अटैक ऑन श्रीलंकन टीम, तो हमने मेजोरिटी क्रिकेट अवे अवे पाकिस्तान से अवे खेली, तो कंडीशंस हमेशा फॉरेन थी, हमारे पास सीनियर प्लेयर्स नहीं थे, कोचेस उस वक्त पे वीडियो एनालिसिस भी अवेलेबल नहीं होता था, तो ये सारी चीजें जो थी वो शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है उस लिहाज से हम काफी ऑन ट्रैक हैं, वीडियो एनालिस्ट साथ जाता है, आपको पता होता है अगले प्लेयर्स के बारे में, वैसे भी फुटेज अवेलेबल है वुमेन्स क्रिकेट की अब, तो अब चीजें काफी बेहतर हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स भी बेहतर हो गए हैं, मैच फीस वगैरह शुरू हो गई, तो ये चीजें अब बेहतर हो गई हैं। ट्रैवल में बहुत फर्क आ गया, मुझे याद है पहली दफा साउथ अफ्रीका गए थे तो 40 आवर्स का ट्रेवल हुआ था हमारा, इतने लंबे लंबे बीच में ट्रांजिट इकोनॉमी में हम गए, और फिर एक दिन का भी गैप, शाम में पहुंचे अगले दिन सुबह से प्रैक्टिस शुरू की, क्योंकि बजट कम होते थे तो टूर भी कम, प्रैक्टिस सेशन भी ऊपर नीचे ओवरलैप, तो ये सब चीजें हमने फेस की। नहीं, अब हैट्स ऑफ टू वसीम खान और अभी जो नई मैनेजमेंट आई है, उन्होंने वुमेन्स क्रिकेट को थोड़ा सा यू नो सीरियस लेना शुरू किया है। होपफुली कि इन फ्यूचर में सारी चीज़ें इम्प्रूव हो और हम भी उसी लेवल पे जाएं जिस लेवल पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। सना, ये बताएं कि इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट एबिलिटीज़ और ठीक है, जो फैसिलिटीज़ हैं वो जितनी भी देते हैं, मगर एंड ऑफ द डे आपको ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करना होता है, आपको कंटिन्यूसली मैचेस जीतने पड़ते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान टीम में सच अ टैलेंट लाइक यू, नैन आबदी, बिस्मा मारूफ और जवेरिया खान और इन जैसे प्लेयरों के होते हुए पाकिस्तान टॉप 5 में अभी अपनी पोजीशन नहीं बना सका? देखिए, टॉप 5 के लिए कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, बोथ इन परफॉर्मेंस एंड बोथ इन प्रेपरेशन।
हम लोगों का सबसे बड़ा इशू आता है, हमारा वर्ल्ड कप करीब आता है ना, तो पूरे पाकिस्तान के कोचेस को भी इंटरेस्ट हो जाता है वुमेन्स क्रिकेट के अंदर। हर बंदा चाहता है कि जी मैं चला जाऊं इस दफा वर्ल्ड कप पे। तो अनफॉर्चुनेटली हमने जो बहुत बड़ी ब्लंडर्स मारे हैं एज मैनेजमेंट भी, एज एज सपोर्ट स्टाफ भी, कि हमने वर्ल्ड कप के पहले से पहले अपनी टीम्स को बहुत चेंज किया, कोचेस भी बदले हमने, प्लेयर्स को भी बदला, कोई स्टेबिलिटी नहीं आई। तो वो जो दो दो तीन तीन साल से आप एक तैयारी कर रहे होते हैं, टीम को तैयार कर रहे होते हैं, वो फिर कहीं और रह जाता है, और वहां जाके हमारी एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हो जाती है। तो इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि वुमेन्स टीम का जनरली बहुत बड़ा कसूर है। वुमेन्स टीम जैसे परफॉर्म करना शुरू करती है तो सबका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है, उससे पहले छोड़ा होता है ये टीमों की तरह, बट जैसे परफॉर्मेंस करती है उसके बाद हर कोई जी मुझे कोच बना दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, और फिर वो खिचड़ी सी पक जाती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये तो फैक्चुअल बातें मैं बता रही हूँ, कि जब जब वुमेन्स क्रिकेट ने ऊपर जाना शुरू किया है उसी टाइम आपने या तो कोच बदल दिया या आपने प्लेयर्स को बदल दिया, और बस उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, फिर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, और बस फिर चीजें चलती रहती। मेरा ये सवाल था, वैसे आपने खुद ही जवाब दे दिया इसका। क्योंकि मुझे याद है कि जब वर्ल्ड कप में आप लोग जा रहे थे तो कबीर खान, बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था, ट्रेनिंग सेशंस बहुत जबरदस्त, इंटेंसिटी एक टीम लग रही थी और मजा आ रहा था, और आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड एज वेल कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं भी आप लोगों के साथ ट्रेवल करूं, मगर एंड वक्त पे कबीर भाई ने रिजाइन किया तो वो पूरी मैनेजमेंट चेंज हो गई, और अभी भी ऐसा ही हुआ। वो तो 2017 के वर्ल्ड कप से पहले तो 5 महीने में 5 कोच बदले थे। ओह वो तो बहुत अनबिलीवेबल, ही तकलीफ दे सिचुएशन थी, और इतनी अच्छी हमारी टीम थी, हम बहुत अच्छा उस टूर्नामेंट में खेल सकते थे, बट बस अनफॉर्चुनेटली ये होता है यहाँ पर। मगर ये देखना चाहिए, अगर विमेंस क्रिकेट को आप चाहते हैं कि ना ऊपर जाए तो इन चीजों को फोकस करना चाहिए। सना कितने साल के लिए होता है कि एक मैनेजमेंट को एक तो अच्छे तरीके से पिक करें, एक ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए सिस्टम में कि जिसमें एक टॉप क्लास कोच हो, उसका स्टाफ भी टॉप क्लास हो, तकरीबन के आप लड़कियों के पास कोई भी सोचने के लिए ना कोई एक्सक्यूज ना हो कि हमारे ये एरिया जो है वीक है, बाकी आप लड़कियों पे छोड़ दें, क्योंकि लड़कियां टैलेंटेड तो ऑलरेडी हैं। आप क्या समझते हैं कितने साल के लिए एक कोचिंग स्टाफ को एक जिम्मेदारी देनी चाहिए और उनको टच भी नहीं करना चाहिए? देखिए मिनिमम 2 ईयर्स तो मिनिमम है, क्योंकि अब आप देखें कि T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल बाद होता है, तो 2 साल तो मिनिमम एक टाइम कोच को चाहिए कि वो टीम में कुछ डेवलप करे, कुछ वो प्लेयर्स की ट्रांजिशन करेगा, नए प्लेयर्स को लाके सेटल करेगा, पुरानों की ट्रांसफॉर्मेशन का देखेगा कि क्या करना। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो कि अनफॉर्चुनेटली कल्चर हमारे यहाँ नहीं है, वो है ओपन डायलॉग का कल्चर, कि आप प्लेयर्स को खोल के बात करने दें, आप कोचेस को खोल के बात करने दें, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पर बेहतरी की बात हो। हम लोग को डिक्टेटरशिप पसंद है, अथॉरिटेरियन हम हो जाते हैं, डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, इसने बोला भी क्या है मेरे सामने। इस तरह टीमें कभी भी इंप्रूव नहीं करेंगी। आप कभी भी बहादुर लोग, जब आप बहादुर लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे ना, तो फिर आप डरपोक लोगों को, उनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। और क्रिकेट बहादुरी का गेम, क्रिकेट में जहां प्लेयर्स ने डरना शुरू कर दिया, जहां आप सेल्फिश हो गए, अपने लिए खेलना शुरू कर दिया, फिर कभी भी टीम नहीं बनती। तो आपको प्लेयर्स के साथ भी इसी तरह करना चाहिए, प्लेयर्स के साथ भी बहुत कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे उनकी 11 में जगह हो, आप थोड़ा टाइम दें उनको। हम लोग उठा के एकदम से 11 में ले आते हैं, एकदम से उठा के बाहर फेंक देते हैं। इसी वजह से मैंने 2017 में जो सारी सिलेक्शन कमेटी चेंज की थी, जो कि अभी उनमें से कुछ लोग फिर वापस आ गए, प्रॉब्लम यही था कि आप कंसिस्टेंसी नहीं दे रहे। मुनीबा अली उस टाइम पर वर्ल्ड कप खेली, और उसके बाद जब 30 का कैंप लगा, 30 में एक उस बच्ची का नाम नहीं है जो 11 में खेल रही थी, आज वही मुनीबा अली फिर खेल रही है। और इसी तरीके से अभी भी हमने देखा है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। इरम जावेद ने पिछले साल मैचेस जिताने शुरू किए, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जिताए, उसको आपने उठा के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। तो जब तक हमें ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि हमने डेवलप प्लेयर करना कैसे, हम लोग को सबसे पहले उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ताकि वो उसका काम और कुछ भी ना, उसका काम सिर्फ जाके अपने आप को इम्प्रूव करना। जब आपने डर डाल दिया कि आप पैसे कहाँ से कमाओगे, तो बस फिर आपका प्लेयर गया। ये हम उन मुल्कों में थोड़ी रह रहे हैं जहाँ पे स्पॉन्सर्स भी अवेलेबल हैं और लड़कियां जाके अलहदा से जॉब भी कर सकती हैं, यहाँ पे वो वाला कल्चर नहीं है। तो आपको प्लेयर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा।
डिपार्टमेंट के बंद होने से कितना अफेक्ट पड़ेगा वेमेंस क्रिकेट पे? बहुत ज्यादा अफेक्ट अभी से पड़ चुका है। बहुत सी प्लेयर्स ने क्रिकेट छोड़ने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। बहुत से पेरेंट्स भी ऑब्वियसली परेशान है, क्योंकि साल का कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी ने दिया है, तो साल तक उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कि वो किसी तरीके से अर्निंग शुरू कर सकती हैं क्रिकेट से। तो जब डिपार्टमेंट भी बंद हो गया है तो प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया। आप देख लें इस वक्त कितनी महंगाई है, ट्रैवल करना, रोज प्रैक्टिस पे जाना, प्रैक्टिस में फिर आपको चीजें चाहिए, यू यू नीड टू हैव गुड शूज, यू नीड टू हैव गुड इक्विपमेंट, गुड न्यूट्रिशन, तो वो खर्चा कहाँ से आएगा? मेजोरिटी आप कि जो प्लेयर्स हैं वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से लड़के हैं, तो ये सब चीजें तो सोचनी पड़ेंगी। हम जब मीटिंग्स करते हैं ना वुमेन्स क्रिकेट की बेहतरी के लिए, तो अलग अलग मीटिंग करते हैं, कोच से अलग मीटिंग होगी, कप्तान से अलग होगी, सेलेक्टर से अलग होगी, और उसके बाद एक फैसला हो जाए। जब तक हम सामने बिठा के सबसे बात नहीं करेंगे ना, तब तक एक्चुअल मसले तक हम पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि फिर होता क्या है, वो ब्लेम गेम ट्रांसफर होती रहती है, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था। तो बाहर के मुल्कों में यही फर्क है, कल्चर का फर्क है। वहां अब शायद बहुत खुली डिस्कशन ना भी होती हो, और कैप्टन का रोल बड़ा डिफाइंड है कि उसने बस ये काम करना है, और कोच का रोल बड़ा डिफाइंड है, उसने ये काम करना है, पर दे कैन अफोर्ड दिस बिकॉज उन्होंने सदियों से स्ट्रक्चर्स डेवलप करके हर बंदे का रोल डेफिनेशन कर दिए। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से ये आई ओपनर है सना, क्योंकि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कौन है पाकिस्तान क्रिकेट में, और ये इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। और अगर फ्यूचर में वुमेन्स क्रिकेट को हम चाहते हैं, हम चाहते तो हैं कि हम वो वुमेन्स क्रिकेट तरक्की करें, मगर उसके तरक्की करने के लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप पूरा भी करना पड़ेगा और सपोर्ट भी करनी पड़ेगी। सना, ये बताएं कि आपकी क्रिकेट पे आता हूँ मैं, मेरा अपना जाती ख्याल है कि आप 1-2 साल और क्रिकेट खेल सकती थी, क्यों रिटायरमेंट ली? रिटायरमेंट ली वो तो मैं बता चुकी हूँ कि मैंने क्यों रिटायरमेंट ली। ऑफ कोर्स मैं इस ख्याल की मालिक हूँ कि आपको एक तो रिस्पेक्ट हमेशा मिलनी चाहिए, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, मैंने हमेशा लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस की कदर की है, और वो रेसिप्रोकेट होनी चाहिए, और एक माहौल ऐसा क्रिएट होना चाहिए जहाँ यू कैन स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। जहाँ आपकी आवाज को बंद किया जाए वहां मुश्किल हो जाती है। सो बस यही रीजंस थे फॉर मी। व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज दैट आई स्टे ट्रू टू माई सेल्फ। मैं अगर कोई चीज मुझे गलत लगती है तो मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी, रादर देन मैं आंखें बंद करके दूसरी तरफ मुड़ जाऊँ। सो ये मेरा यही इतना ही मैं अभी कह सकूंगी। बट जितना खेला अल्लाह का शुक्र है, अपने मुल्क के लिए 100% दिया, और इस बात की मुझे खुशी है कि मैंने अपनी वैल्यूज को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अच्छा, अगर अभी इंग्लैंड में जैसे 100 बॉड क्रिकेट शुरू हो रही थी, अगर उसमें आपको ऑफर होती तो आप खेलती हैं आप उसमें? अगर आप अभी भी क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम है, जैसे अगर फ्रेंचाइज लेवल पे PSL स्टार्ट होती है, तो आप क्रिकेट खेलेंगे या कोचिंग में या किसी मैनेजमेंट में रोल लेने का पसंद करेंगे? बिल्कुल, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसके लिए तो मैं ओपन हूँ, बिकॉज उसमें फिर आपके अंदर ये सिमिलर मसले नहीं है। बट PSL में तो ऑब्वियसली यही लोग सिलेक्शन में होंगे, तो मेरे लिए तो आई डोंट नो, वो रास्ता खुला है कि बंद हो चुका है। बट ऑफ कोर्स बाहर मैंने पहले भी बांग्लादेश का भी टूर किया, ऑस्ट्रेलिया में फेयरब्रेक भी खेला है, और बहुत अच्छी क्रिकेट वहां हमने बिग बैश की टीम्स के साथ खेला। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली तो इंशाल्लाह जरूर खेलूंगी। अच्छा, फ्यूचर में और क्या गोल्स हैं सर? आप बहुत बिजी हैं इस वक्त एजुकेशन पे, आप वुमेन्स की जो एजुकेशन है उस पर बहुत काम कर रही हैं, मैं फॉलो करता हूँ बहुत क्लोजली, और आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो छुपी भी नहीं है किसी से, मगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या कंट्रीब्यूशन का इरादा है फ्यूचर में? पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो जो कंट्रीब्यूशन की थी वही अभी फिलहाल वहीं तक इरादा है। अभी तो फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है उसके अलावा। बट बाकी देखिए, अल्लाह ताला ने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी मुल्क को सर्व करने के, और बहुत से तरीके हैं, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि वैसे सर्व किया जाए। अवेयरनेस तो हम सोशल कॉजेस के लिए भी फैलाते रहते हैं, चाहे वो प्लांटेशन ड्राइव्स हों, चाहे वो हमारा रेसिज्म की तरफ बातचीत हो, किसी तरह की भी अवेयरनेस हो, उसको तो मुझे लगता है कि एज अ सेलिब्रिटी या एज अ पर्सन जिसकी आवाज अब कुछ पहुंच बन चुकी है, तो वो हमारी जिम्मेदारी है। और बाकी मैंने कभी भी लाइफ में बहुत लंबा प्लान नहीं किया, जो भी अल्लाह ताला ने मेरे लिए आगे रखा होगा उसको देखा जाएगा। बट अभी जो टाइम है, अभी इट्स इट्स मोर ऑफ अ वेटिंग गेम फॉर मी।
to get more clarity of actually what I really want to commit myself to. क्योंकि मेरी कमिटमेंट ये है कि जब मैं करती हूँ तो फिर वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट थी, वुमेन्स क्रिकेट से 15 साल की कमिटमेंट थी. तो वो चीजें अब मुझे देखनी पड़ेंगी कि अब मुझे अपना टाइम किस चीज में लगाना. सर ना, पाकिस्तान इंग्लैंड में बहुत कॉमन इश्यू है मेंटल हेल्थ इश्यू का क्रिकेट में। पाकिस्तान में आपके होते हुए ऐसा आपने देखा है, प्रॉब्लम हुए है पाकिस्तान क्रिकेट में? बहुत होते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट में, क्यों नहीं होते, क्योंकि हम आते भी, मैंने फिर बताया कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस तो होता ही होता है. और उसके अलावा घर पे भी वो सपोर्ट अवेलेबल नहीं होती कि वो उसमें से उस फेज में से, जब उस फेज में वो लड़कियां आ जाएं कि रन नहीं हो रहे या विकेट्स नहीं ले सक रही, तो उसमें वो उसमें से निकल पाए. तो बहुत से टाइम तो जितनी हेल्प मैं खुद कर सकती थी, काउंसलिंग तो मैंने अनगिनत किया है लड़कियों की, जब मैं एज ए कैप्टन भी थी और वैसे भी थी. और बहुत दफा हमने साइकोलॉजिस्ट को भी बुलवाया ताकि वो ऑन एंड ऑफ उनको थोड़े से टूल्स दे दें जिनके साथ वो काम कर सकें. तो उसके ऊपर बातचीत तो बहुत है. और आई थिंक क्रिकेट तो है ही 90% मेंटल. और जो आप कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे, उसमें भी जो एक लैक बहुत बड़ा है वो यही है कि हम मेंटली अभी भी उतनी स्ट्रांग नहीं है लड़कियां. वही शॉट्स जो हम बांग्लादेश और आयरलैंड के अगेंस्ट मार सकते हैं, वही बॉल अगर हमें ऑस्ट्रेलिया कराए तो हम वही शॉट रिपीट नहीं कर पाते, बिकॉज हम मेंटली स्ट्रांग नहीं है. सो स्किल का मसला कम आता है बट मेंटल टफनेस का ज्यादा आता है. सो उसके ऊपर मैं जरूर काम कर रही हूँ. मैं कुछ प्रोग्राम्स बना रही हूँ एक दो लोगों के साथ मिलके, जिसमें ना सिर्फ हम क्रिकेटर्स की हेल्प कर सकें बट जनरली एनीवन विद किसी किस्म की, जब हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हम कौन सी मेंटोरशिप से, किस तरह की बातचीत से, कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग वापस अपने पांव पे खड़े हो सकते हैं. तो उसके ऊपर भी मैं आजकल काफी पढ़ाई भी कर रही हूँ, कुछ कोर्सेज भी कर रही हूँ, कुछ लोगों के साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रही हूँ. सो वो एक डिपार्टमेंट है डेफिनेटली जिसको मैं फ्यूचर में देखना चाहती हूँ, बिकॉज मेरी 15 साल के करियर में सबसे ज्यादा जो काम किया वो काउंसलिंग का ही लड़कियों के साथ किया है, बिकॉज कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था जिस वक्त हमने वुमेन्स क्रिकेट को स्टार्ट किया और उसको फिर बहुत मेहनत से हमने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया. नहीं सर ना, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर वॉट यू नो यू शेयर। अगर आपका कोई आर्टिकल आता है या किस तरह की कोई बुक लिखने का प्रोग्राम होगा तो मैं बहुत इंटरेस्ट होगा वो पढ़ने में, क्योंकि आपसे ज़्यादा इनसाइड स्टोरी कौन बता सकता है, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट की। हमारी विमेंस है मतलब ओपन, कैन दे ओपन अप ईजली, और यू यू सी समथिंग एंड देन यू टॉक टू देम? इट डिपेंड्स, आई थिंक इट्स वेरी इंडिविजुअल, एवरी वन इज डिफरेंट. सम पीपल आर वेरी ओपन, आई मीन उनसे आप अभी एक सवाल करते हैं वो 10 सवालों का जवाब दे देते हैं, और कुछ लोगों से आप 10 सवाल करते हैं तो वो एक जवाब देते हैं. सो इट्स वेरी इंडिविजुअल. और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ट्रस्ट फैक्टर, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक दो साइकोलॉजिस्ट जब हमने बुलाए तो एक के साथ तो एक्सपीरियंस काफी खराब था, नाम नहीं मैं उनका लूंगी, बट जो बातें अंदर क्लासरूम में हुई वो 10 मिनट के बाद मीडिया के अंदर आ चुकी थी. और उसमें इशू ये आता है कि क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि मीडिया में बात लीक कैसे हुई, तो फिर उनके ऊपर भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो वहां पे फिर प्लेयर्स बिल्कुल शट हो जाते. सो वो जो एक एलिमेंट है कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और आई थिंक उस वजह से इनिशियली लड़कियां बहुत आसानी से मुझसे बात कर लेती थी और इट वाज इजियर फॉर देम कि हम आपस में बात कर लेते, तो हम लोग उस वजह से काफी क्लोजली नेट थे कि हम अपने इश्यूज आपस में ही सॉल्व कर लेते थे. फिर आस्ते आस्ते कुछ कोचेस भी ऐसे आए जिनके साथ लड़कियां कंफर्टेबल हो गई, उनसे बात कर लेती थी. सो इट्स वेरी इंडिविजुअल, एवरी वन हैज अ डिफरेंट गो टू पर्सन, वो एक नहीं हो सकता, बट जो टूल्स हैं वो एक हैं, वो यूनिवर्सल टूल्स हैं. और उनको बेसिकली उनकी अवेयरनेस पाकिस्तान में लाना, एथलीट्स में, यंगस्टर्स में, हर तरह की फील्ड के लोगों में, आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. और ऑल्सो हेड कोच की जो प्लेयर रिलेशनशिप होती है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, कि वो बड़ी ओपन होनी चाहिए, कि प्लेयर्स के पास कॉन्फिडेंस हो के दे कैन ओपन अप विद देम। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, आई थिंक उसमें वो बात आ जाती है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की. बाहर से क्यों कोचेस इतने हमेशा पाकिस्तान में सक्सेसफुल रहे हैं, चाहे मार्क कोल्स के एंड पे आके कुछ भी
इश्यूज हो गए और वो चले गए, बट उनके भी 2 साल बहुत ही सक्सेसफुल रहे. तो अगर आप देखें लड़कों में भी बाहर के कोचेज आके सक्सेसफुल क्यों होते हैं, इवन उनकी जबान भी प्लेयर्स को समझ नहीं आती, बट सक्सेसफुल इसलिए होते हैं कि प्लेयर्स कंफर्टेबल फील करते हैं कि जब हम इससे बात करेंगे ये हमें जज नहीं करेगा. अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाते नहीं है पाकिस्तान में, तो हम जजमेंट पे हमारा जोर बहुत है. अगर कोई प्लेयर आके आपसे कुछ ओपन करेगा ना, तो कहेंगे ओ जी बड़ा डरपोक प्लेयर. अगर उसने आके बता दिया कि मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है या मैं नर्वस हो रहा हूँ, तो रादर देन उसको उसमें से हेल्प करके गाइड करने की, उसके ऊपर हम लेबल लगा दें. तो ये जो हमारा लेबलिंग है ना, ये बड़ा एक इशू है. सो आई थिंक ये ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए, कोचेस के लिए, इवन मैनेजमेंट के लोगों के लिए जो कि बहुत जल्दी जज करते हैं, आई थिंक ये सबके लिए बहुत एक जरूरी चीज है कि अपने आप को रिफ्रेश करते रहें और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जरूर आए. सर, यकीन करें, अगर मेरे पास 1-2 घंटे और होते, आपके पास बल्कि मेरे पास तो है, आपके पास होते, तो मैं ये प्रोग्राम को चलते ही रहने देता, क्योंकि इतना एंजॉय कर रहा हूँ मैं आपकी प्रोडक्टिव टॉक से और इतनी नॉलेज से। और इंशाल्लाह कोशिश जरूर करूंगा कि आपको किसी तरह कन्विंस करूँ, एक दफ़ा और आप मेरे साथ बैठें, ताकि हम थोड़ी सी और इस एजुकेशन पर बात करें कि किस तरह हम अपने एजुकेट कर सकते हैं, नहीं प्लेयर को नहीं बल्कि पेरेंट्स को भी और उनके सराउंडिंग जो पीपल हैं उनको भी। सना, जाते हुए आप, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे टाइम दिया, अपना आपका प्रेशियस टाइम था, आप बहुत बिजी हैं इन दिनों में। जाते हुए मेरे व्यूअर्स के लिए बस 2 लाइनें बोल दें। बस व्यूअर्स के लिए मेरा तो यही है कि होपफुली आप लोग क्वारंटाइन को, पहले तो यह है कि उसको रिस्पॉन्सिबली सेंसिबली यूज कर रहे होंगे. ये टाइम पूरी दुनिया में पॉज का टाइम है, हम सबको टाइम मिला है सोचने का, देखने का. तो इसमें हम अच्छी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करें, हम हेल्दी हैबिट्स डेवलप करें, अपने सोने के पैटर्न्स को बेहतर करें, खाने पीने के पैटर्न्स को बेहतर करें, और पॉजिटिव चीजों को देखें, पॉजिटिव आर्टिकल्स पढ़ें, पॉजिटिव टॉक सुने. तो हम अपने आप की डेवलपमेंट पे काम करें. बहुत अच्छा टाइम है. आई थिंक कहीं पे दुनिया में बहुत मुश्किलात भी हैं, बट साथ ही वो कहते हैं ना, मुश्किल के साथ ही आसानी है. तो इसमें आसानी है कि नाउ वी कैन चूज एंड डू वट एवर जो हमने इतने अरसे से छोड़ा हुआ था कि यार ये करेंगे और वो करेंगे, तो उस सब का हमें टाइम मिल गया है. तो हम लोगों को वो डेफिनेटली अपनी ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूर इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होना चाहिए. थैंक यू वेरी मच सना। तो ये थी सना मीर, और अगर आपको ये शो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाएं और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएं, ताकि आइंदा आपसे इस तरह के इंटरेस्टिंग स्टोरीज और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू मिस ना हो सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस। पाकिस्तान जिंदाबाद।